हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इन हिंदी। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई पीडीएफ फाइल है और आप उसे प्रिंट करना चाहते हो तो कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले वो पीडीएफ फाइल देखनी है जिसको आप प्रिंट करना है। तो ये वाली पीडीएफ फाइल है, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा ओपन विद, आपको इस पर क्लिक करना है और गूगल क्रोम दिखाई देगा आपको, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। वरना आप किसी और वेब ब्राउजर में भी चालू कर सकते हो, पर पहले क्रोम में ओपन करें। फिर आपके पास याला पेज आएगा, यहाँ पे मेरे दो पेज हैं इस पीडीएफ में। फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कॉर्नर पे इस साइड ये ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक करना है प्रिंट का निशान पे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वरना आपके सारे पेज खराब हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेस्टिनेशन, आपको इसे प्रिंटर पर रहने देना है। यहाँ पे दिखाई देगा आपको पेजेस, अगर आपको सारे पेज करने हैं तो आप सारे पेज करने हैं, वरना आप एक या दो पेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कलर, यहाँ पे आपका कलर सेट होगा, पर यहाँ पे आप ब्लैक एंड व्हाइट करिए, तो ब्लैक एंड व्हाइट पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा मोर सेटिंग्स, आपको इस पर क्लिक करना है। पेपर साइज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, पर लेटर ही रहता है सबसे पहले, वरना आप पहले A4 कर दीजिए, ध्यान है आपको A4 करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा पेज पर शीट, यहाँ पे आपको एक ही रहने देना है, स्केल यहाँ पे डिफॉल्ट रहेगा। और यहाँ पे आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट है तो आपको आपका जो पीडीएफ है वो प्रिंट के रूप में मिल जाएगा। तो शायद आपको समझ में आया हो। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ये तरीका काम नहीं करता है तो ये रही एक और वीडियो, आप इसे देख सकते हैं और पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।